नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये कलर स्मोक। आप देख रहे होंगे हमारे हाथ में है, तो इसको जो है काट के दिखाएंगे कि इसके अंदर होता क्या है। उससे पहले का इस आपको इसको हम जला के दिखाएंगे किस तरह से ये जलता है, किस तरह से ये काम करता है और इसके अंदर क्या चीज़ होता है जो कि स्मोक की तरह निकलता है। तो जैसा कि इसका नाम है कलर स्मोक बम, तो ये गाइस इसमें जो है स्मोक की तरह जो है निकलता है गुलाल, और वो गुलाल किस तरह का होता है वो आपको पता चलेगा अभी। तो इसको हम जब काटेंगे और काट के दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या चीज़ है, अगर कलर होगा तो कलर निकलेगा, अगर बारूद होगा तो वो निकलेगा। तो अभी गाइस इसको हम काट के आपको दिखाएंगे। उससे पहले गाइस आपको बता दें कि इस तरह का कलर स्मोक पहले जो है प्लेन वगैरह से इस्तेमाल किया जाता था। जब 26 जनवरी या 15 अगस्त होता था तो प्लेन ऊपर से निकलता था और तिरंगा बन जाता था, तो उस तरह से इसको पहले इस्तेमाल किया जाता था। अब जो है होली पे भी इसको इस्तेमाल किया जाने लगा है और इस तरह के आपको मार्केट में कलर स्मोक बम मिल जाएंगे। तो गाइस अगर आपने इस तरह का कलर स्मोक इस्तेमाल किया है होली पे तो आपको पता होगा कि किस तरह से इसमें स्मोक निकलता है। ऊपर एक जो है इसमें बत्ती दी गई है और इसको जो है जलाना होता है, और सीधा इसको खड़ा कर देते हैं और इसको जला देंगे और ये जलता है, उसके बाद में स्मोक निकलने लगता है। तो अलग अलग कलर के आपको कलर स्मोक मिल जाएंगे मार्केट में। तो गाइस इसमें क्या है अभी आपको पता चल जाएगा, उससे पहले आप देखिए कि किस तरह से ये जलता है। जब जलता है तो इसमें कलर जो है गुलाल की तरह ही निकलता है, लेकिन वो कलर जो है गुलाल नहीं होता है, वो जो है वेपोराइज कलर होता है जो कि हीट होने पे प्रोड्यूस होता है और बाहर निकलने लगता है। तो गाइस आप देख सकते होंगे कि किस तरह से ये जो है हवा में निकलता है गुलाल की तरह, और बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह का बैकग्राउंड तैयार करने के लिए। जैसे कि वीडियो या फोटो शूट होता है उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है कि बैकग्राउंड जो है अच्छा है, उसका लुक अच्छा है, तो उसमें भी इसको अब इस्तेमाल किया जाने लगा है। तो चलिए गाइस आपको हम इसको काट के दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या है और कलर है या फिर कोई दूसरी चीज़ है, वो अभी आपके सामने होगी। तो चलिए काटते हैं इसको। तो गाइस मार्केट में आपको इस तरह के कलर स्मोक मिल जाएंगे, छोटा और बड़ा साइज आता है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है आधुनिक होली का नया अंदाज कलर स्मोक, और ये जो है नीचे से और ऊपर से दोनों साइड से सील रहता है, ऊपर एक बत्ती लगी रहती है। तो चलिए इसको हम कट करेंगे और कट करके आपको दिखाएंगे कि इसके अंदर बारूद है या फिर गुलाल है। तो ये गाइस इसको हम जो है बीच से कट कर रहे हैं और बीच से कट करके आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या निकलता है। आप देखिए तो ये गाइस दफ्ती का एक सिलेंडर जैसा है रोल टाइप का, और इसी के अंदर जो भी मटेरियल होगा इसका अभी बाहर निकलेगा। तो इसको हम कट कर ले रहे हैं और कट करके आपको दिखाते हैं। तो ये गाइस हमने इसको कट कर लिया है। ओह, ये तो बिल्कुल खाली निकल रहा है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये जो है पूरा खाली है और इसमें कुछ भी नहीं है, नीचे एक ढक्कन लगा है, उसको निकाल के आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए बिल्कुल खाली है, निकला है। नीचे सील करने के लिए एक प्लास्टिक का ढक्कन लगा था और इसमें कुछ है छोटा सा, जो दूसरा पार्ट ऊपर का बचा है ये आप देख सकते हैं इसके अंदर कुछ है। तो इसको अभी हम आपको निकाल के दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ है। तो ये गाइस धोखे वाला काम है कि बिग साइज़ का हमने परचेस किया और जो है इसके अंदर एक छोटा सा ये आप देख सकते हैं निकला है, और ये कितना बड़ा है। तो मार्केट में जब भी हम परचेज़ करते हैं तो यही देख के परचेज़ करते हैं कि कितना बड़ा साइज़ है, और लेकिन उसके अंदर कितना छोटा सा जो मेन पार्ट होता है जिसमें फिल होता है गुलाल, वो कितना छोटा सा लगाया गया है। तो गाइस अब इसको हमें कट करना है और इसको कट करेंगे। तो उससे पहले एक पेपर ले लेते हैं, पेपर के ऊपर इसको रख के कट करेंगे ताकि इसका जो भी मटेरियल हो पेपर पे निकले और
आपको हम दिखा सकें। तो चलिए इसको हम कट कर लेते हैं। तो ये गाइस बहुत ही अचंभे वाली बात है कि जब भी मार्केट में हम परचेस करते हैं तो छोटा बड़ा देख के इसी तरह से परचेस करते हैं। तो ये गाइस देखिए, हमने इसको कट कर लिया है और इसमें जो कलर निकला है वो गुलाल जैसा ही कलर दिख रहा है, ना कि इसमें कुछ बारूद जैसा है। तो आई थिंक इसमें कुछ ना कुछ मिक्स होगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये जो है वेपोराइज कलर होता है, और जो है जब इसको हीट मिलती है तो ये प्रोड्यूस होता है, बाहर निकलता है। तो ये देखने में बेशक जो है गुलाल जैसा है, लेकिन इसमें जो है कुछ ना कुछ ऐसा मटेरियल मिक्स किया गया है ताकि ये जले और हीट हो। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो है देखने में बिल्कुल कलर जैसा, गुलाल जैसा, जो हम लोग होली पे खेलते हैं उसी तरह का है, लेकिन इसमें जो है कुछ मिक्स करके इसको बनाया गया है ताकि जब इसको हम जलाते हैं इस बत्ती से आग लगाते हैं तो ये अंदर जाता है, आग अंदर पहुंचती है और जो है स्मोक बन के बाहर निकलता है, जो कि बिल्कुल गुलाल जैसा दिखता है और बहुत ही सुंदर लगता है। और इसके ऊपर एक कैप लगा हुआ है प्लास्टिक का, और ऊपर एक होल है और होल में ये बत्ती लगी रहती है। तो होल इतना बड़ा है कि ये बत्ती इसमें लग जाए तो जब ये जलता है, स्मोक बन के बाहर निकलता है, तो ये होल से ही बाहर निकलता है। तो आई थिंक इसमें होल इतना बड़ा दिया गया है कि जब ये स्मोक बन के बाहर निकले तो काफ़ी प्रेशर से बाहर निकलता है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि जो भी मटेरियल था वो आपको हमने दिखाया। तो गाइस आपको हमने काट के दिखाया कि कलर स्मोक में किस तरह से इसमें कलर फिल होता है, कलर होता है या बारूद होता है। तो जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं कि इसमें कोई बारूद जैसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये जो है कलर जैसे कि गुलाल होता है उसी तरह का इसमें निकला हुआ है। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो और भी मिलती रहेंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।